आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। राहुल गांधी की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति काम नहीं आई तो अब उन्होंने जाति की राजनीति शुरू कर दी है। देश को धर्म के आधार पर बांटने में नाकाम होने के बाद अब जाति को आधार बनाकर रोज नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक नया शब्द ईजाद किया है, दलित किचन, यानी अब जाति के आधार पर राहुल गांधी रसोई भी अलग कर रही है। ऐसे में लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब राहुल गांधी दलित का खून भी अलग कर देंगे। दरअसल राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें वो एक दलित परिवार के साथ खाना खाते दिख रहे हैं। इस वीडियो के साथ वो लिखते हैं कि दलित किचन के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। राहुल गांधी ने अपने इस पोस्ट में बहुजनों के अधिकारों की रक्षा की बात की। दलितों के प्रति प्रेम और उनके प्रति सहानुभूति दिखा रहे राहुल गांधी को आज 55 सालों बाद याद आया कि दलित भी इस देश का हिस्सा हैं। अब तक जिस कांग्रेस को मुस्लिमों का दुख दिखाई पड़ रहा था, अचानक उन्हें दलित दिखाई पड़ने लगे। ये वही राहुल गांधी हैं जिनके पूर्वजों ने सालों तक देश पर राज किया। अपने कार्यकाल में कांग्रेस ने दलित समाज से कई वादे तो किए, लेकिन उनकी स्थिति को सुधारने के लिए धरातल पर कोई काम नहीं किया। आजादी के बाद 1952 से लेकर 1977 तक देश पर केवल कांग्रेस का शासन था। इस दौरान दलितों के लिए कांग्रेस ने क्या किया? देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद एससी एसटी और दलितों की कार्यस्थलों पर भागीदारी के खिलाफ थे। यही वजह था कि डॉक्टर अंबेडकर को सितंबर 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था। इस्तीफा देते हुए अंबेडकर ने विस्तार से अपनी उन पीड़ा को बयां भी किया था जो उन्होंने नेहरू के हाथों झेला था। उन्होंने बताया भी था कि कैसे नेहरू ने उन्हें योजनाओं से दूर रखा और दलितों के कल्याण के लिए एक भी योजना को धरातल पर नहीं उतारा। बजाय इसके नेहरू सरकार ने मुसलमानों के प्रति अपनी संवेदना दिखाई। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी इसका जवाब दे पाएंगे कि उनके पूर्वजों ने दलितों के साथ अन्याय क्यों किया? सवाल ये है कि जब 55 साल के राहुल गांधी को दलितों से इतना प्रेम है तो इतने सालों तक वो कहाँ थे, और अगर प्रेम अभी जागा है तो क्यों जागा है? दरअसल राहुल गांधी जब मुसलमानों का पक्ष लेकर सत्ता में नहीं आ पाए तो अब वो जातियों को साधने का प्रयास कर रही है। इसीलिए वो बार बार जाति जनगणना का मुद्दा संसद में उठा रहे हैं, जिससे मालूम हो सके कि समाज में कितनी जातियां हैं जिन्हें वो अपने राजनीतिक हितों के लिए साध सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी से उनकी जाति पूछिए तो वो कहते हैं कि उन्हें गाली दी जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर राहुल गांधी जानते हैं कि किसी की जाति पूछना गलत है तो क्या जाति जनगणना कराने के लिए लोगों से उनकी जाति नहीं पूछी जाएगी? और अगर राहुल गांधी जानते हैं कि किसी की जाति पूछना उसे गाली देने जैसा है तो उन्होंने इसी साल फरवरी महीने में यूपी के रायबरेली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पत्रकारों से उनकी जाति क्यों पूछी? यही नहीं, राहुल गांधी तो जजों की भी जाति पूछ चुके हैं। राहुल गांधी ने अपनी इसी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पूछा था कि कितने दलित, आदिवासी और ओबीसी हाई कोर्ट में जज हैं। लेकिन शायद राहुल गांधी को नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में 3 दलित जज हैं, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सिटी रवि कुमार और प्रसन्ना भालचंद्र वराले। इससे ये साफ है कि न्यायालयों में भी दलितों की भागीदारी में कोई कमी नहीं है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी आखिर किस हक की बात कर रही है। राहुल गांधी इन दिनों जाति की राजनीति करने में इतने व्यस्त हैं कि जहां जरूरत नहीं होती वहां भी वो जाति की बात कर देते हैं। इसी साल अगस्त महीने में संसद में जाति जनगणना के लिए अपने आह्वान को दोहराते हुए उन्होंने कहा था कि उन्होंने मिस इंडिया की सूची में किसी दलित, आदिवासी और ओबीसी महिला का नाम नहीं देखा। अब इन्हें कौन बताए कि मिस इंडिया एक निजी संस्था है, यहाँ सरकारी नौकरियों की तरह जाति के आधार पर नियुक्ति नहीं की जा सकती। बहरहाल राहुल गांधी सत्ता में वापस आने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण और जाति की राजनीति कर रही हैं, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जनता को ये समझना होगा कि ये लोग सिर्फ सत्ता में आने तक ही लोगों को याद रखते हैं और उसके बाद इन्हें जनता की कोई परवाह नहीं होती। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए टीवी और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ,
सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रिदम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।